हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग यानी कि एमसीसी काउंसलिंग के राउंड टू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। काफी टाइम से हम आयुष काउंसलिंग के अंदर बिजी थे, काफी दिनों से बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर राउंड टू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताइए कि राउंड टू के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारी कहाँ तक जो है वो जा सकती है, क्या हमें सेकंड राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, हमारे चांसेस हैं या फिर नहीं है, या फिर हमें आयुष काउंसलिंग के अंदर ही जाना चाहिए, हमारे बीएमएस के चांसेस है। काफी टाइम से हम आयुष काउंसलिंग के अंदर बिजी थे जिसकी वजह से हम ये वीडियो नहीं बना पाए, तो आज फाइनली हम ये वीडियो ले आए हैं। क्या करें बच्चों, सिंगल पर्सन के लिए इतनी सारी काउंसलिंग चल रही है, सारी स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, उधर से डबल ए ट्रिपल सी की चल रही है, डबल ए ट्रिपल सी की स्टेट्स की शेड्यूल आने शुरू हो चुके हैं, तो कई बार एक पर्सन के लिए इतना सब कुछ मैनेज करना जो वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो चलिए फाइनली आज की वीडियो के अंदर हम आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं राउंड टू की। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा राउंड वन का प्रोसीजर समझो और ये चीज समझो कि राउंड टू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ चीजों पर जो वो आपकी डिपेंडेंट करती है, लेकिन किस चीजों पर डिपेंड करती है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ चीज मेंशन कर रखी है, ये हमारे पास है ऑल इंडिया का डाटा जो हमारे पास राउंड वन का रिजल्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मार्क्स लिखे हुए हैं, ये आपका यहाँ पे एयर लिखा हुआ है यानी कि जहां पे आपका फर्स्ट राउंड जो है वो क्लोज हुआ है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 660 पे आपका जो फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिली है आखिरी जो क्लोज हुआ है यानी कि 19,600 रैंक पे। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 653 मार्क्स पे आपकी जो सीट लास्ट मिली है 23,400 रैंक पे यानी कि 23,400 रैंक पे। वही ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 657 मार्क्स पे यानी कि 20,200 रैंक के ऊपर आपका जो है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर गया है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 575 मार्क्स पे रैंक है हमारे पास यहाँ पे 105,670। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 540 मार्क्स पे यानी कि रैंक है 1,45,200। तो ये था राउंड वन का जहाँ पे हमारा जो डाटा है वो क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, यानी कि इसके बाद हमारे पास अभी किसी भी बच्चे को सीट नहीं मिली है। यहाँ पे आपका राउंड वन आके क्या आ गया, रुक गया है, क्लोज्ड हो गया है। अब बच्चों जो राउंड टू का डाटा है यानी कि जो राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि मैं आपको एक दे दूं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा ही होगा, ऐसे नहीं तो भाई ऐसे होगा होगा, इतने रैंक पे आपको सीट मिलेगी मिलेगी, बाद में वो चीज ना मिले, लेकिन वो कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है, यहाँ पे नंबर वन देखो, पहली चीज डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स, कि सेकंड राउंड के अंदर जो सीट्स हैं वो कितनी वेकेंट्स हैं, कितनी खाली सीट्स हैं, उसी हिसाब से हमारे पास पता चलेगा ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां से कहां तक जा सकती है। ये था पहला केस। दूसरा केस यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलेज पार्टिसिपेट, कितने नंबर ऑफ कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उतने ही नंबर ऑफ कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या नए कोई कॉलेज खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा, किसी सेकंड नए कॉलेज को परमिशन मिली है, किसी ने सीट्स बढ़ाई है, कुछ भी ऐसा होता है तो दूसरा इस चीज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तीसरा यहाँ पे केस डिपेंड करता है कि जैसे आपको पता है स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टेट नीट काउंसलिंग के अंदर कितने बच्चों ने जो सीट ले ली है या फिर कितने बच्चों ने इधर जो है अपग्रेड के लिए डाला है, ठीक है, तो इस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजों पे जो मोस्टली आपका जो डिपेंड करेगा राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो डिपेंड करती है इन मेनली इन तीन चीजों के ऊपर। उसके बाद राउंड वन के अंदर तो बच्चे कई बार जो है वो सीट छोड़ जाते हैं, ठीक है, सीट छोड़ जाते हैं यानी कि उनको सीट नहीं मिलती, उनको लगता है कि यहाँ पे फिर ओनली 15% सीटें हैं एमसीसी के अंदर, मैं क्या करता हूँ मैं अपनी स्टेट काउंसलिंग करवाता हूँ तो जिससे मेरे क्या है ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से राउंड टू के अंदर काफी ज्यादा सीट्स जो वो आपको खाली यानी कि उनकी जगह वेकेंट्स भी जो आपको देखने को मिल सकती है वो किसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं भाई मेरा एमसीसी यानी कि 15% में कोई चांस नहीं है, मैं सीधा अपनी मेरी स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, मैं अपनी स्टेट में ही जाता हूँ क्या करने, पार्टिसिपेट करने। जब बात करते हैं राउंड टू के अंदर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों अगर आपकी रैंक जो 23,700 प्लस तक आपका जो है वो जा सकता है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 26,800 प्लस को जो सीट मिल सकती है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 22,500, उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,24,100 प्लस, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,55,200 प्लस। तो ये आपके एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा ये टोटली फाइनलाइज एक्चुअल नहीं है, क्योंकि उन तीन केसेस की वजह से, अगर उन तीन केसेस की हमारे पास क्लैरिफिकेशन आ जाती है फिर हम थोड़ा सा अंदाजा और भी जो पक्का लगा सकते हैं कि इसमें से जो सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितनी हमें जो एक्यूरेट जो वो देखने को मिल सकती है, लेकिन आप फिर भी एक रफली आइडिया जो वो ले सकते हो। ये खास करके इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मैं दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्या मुझे एमसीसी में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। एक चीज का और खास करके ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर ये सीट आपको इस साल एमसीसी में नहीं मिल सकती, पिछली बार आप विश्वास नहीं करोगे 16,000 से लेके 20,000 तक भी बच्चों को जो है वो एम्स मिले हैं, ठीक है,
16,000 से 20,000 रैंक वाले बच्चों को भी जो वो एम्स मिला है, और वो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, किसमें? स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी मतलब होता है इवन स्पेशल स्ट्रे में, ठीक है, लास्ट राउंड के अंदर जाके, वो भी ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे किसी अदर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। मेरे पास लिस्ट अभी भी पड़ी है, चाहे तो आप उस लिस्ट को देख लेना, तो उस लिस्ट में आपको साफ साफ शो हो जाएगा कि 16 से 20,000 वाले बच्चों को भी जो है वो एम्स मिला है, वो भी ओपन कैटेगरी के बच्चे, और लेकिन वो मिला कब है? स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, स्पेशल स्ट्रे में, क्योंकि बच्चों ने उस टाइम तक पेशेंस रखा कि भाई मैं तो स्ट्रे में जाऊंगा ही जाऊंगा और एम्स को ही टारगेट करूंगा, मुझे एम्स मिलेगा ही मिलेगा, और बच्चों ने टारगेट किया और बच्चों को एम्स जो वो मिला भी। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको फिक्स रहना पड़ेगा कि मुझे एक ही पर्टिकुलर कॉलेज को जो टारगेट करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए 2023 की, हमने इसमें क्या किया है, जितना भी डाटा था कम राउंड वन का, राउंड टू का, राउंड थ्री का, हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। पहले वो पीडीएफ देखो अच्छे से। जो ये है वो पीडीएफ जिसमें आपको राउंड वन, राउंड टू और राउंड थ्री का भी जो है डाटा मिल जाएगा, ताकि आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मिल सके कि कौन कौन से कॉलेज जो वो आपको मिल सकते हैं राउंड टू के अंदर, राउंड थ्री के अंदर, क्योंकि राउंड वन तो ऑलरेडी आपका जो वो खत्म हो चुका है। तो ये पीडीएफ कहाँ से है? 2023 की पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीट यूजी काउंसलिंग के लिए एमसीसी की तरफ से इसको ऑफिशियली जो है वो भेजा गया था तीनों राउंड्स की। तो हमने इसको कंबाइन मर्ज कर दिया ताकि आपको जो डाटा अच्छे से समझ लग सके। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, नीचे थोड़ा सा हम स्क्रोल करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारी चीजें जो वो अच्छे समझ लग जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे बच्चे का रैंक है 11,267 यानी कि 11,267, तो ऑल इंडिया से इस बच्चे को ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया था, कौन सा? हरदोई वाला और एमबीबीएस का। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि 11,000 के रैंक के आसपास आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो वो मिल सकते हैं। यहीं पे बात करें तो जैसे यहाँ पे 11,266 यानी कि 11,266 पे बच्चे को ये वाला कॉलेज जो वो अलॉट हुआ था एमबीबीएस का, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया और उसके बाद उसको सेकंड राउंड के अंदर ये वाला कॉलेज है वो अलॉट हो गया एमबीबीएस का। ठीक है, यहाँ पे भी उसने जो वो रिपोर्ट नहीं किया, मे बी उसने काउंसलिंग छोड़ दी होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको क्या करना है, खास करके ध्यान रखना है कि इस पीडीएफ के अंदर आपको कौन कौन से रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज वो आपको मिल सकते हैं। और इस पीडीएफ के अंदर आपको एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस का भी डाटा मिलेगा और साथ ही साथ बीएससी का भी डाटा जो है वो मिलेगा, डीम्ड का भी मिलेगा, सारा कुछ जो भी इसमें कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारा का सारा आपको जो मिलेगा। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, 4,000 से ज्यादा पेजेस की ये पीडीएफ है। तो कितने पीडीएफ के पेजेस में जितने जितने बच्चों को रैंक करके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए थे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बीडीएस का डाटा भी ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से बीएससी का भी डाटा इसमें होगा, कैटेगरी वाइज भी होगा। देखा बच्चों आपने इस पीडीएफ को, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एमसीसी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या फिर कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस उनको किस किस रैंक के अकॉर्डिंग जो वो मिल सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो डाटा था वो 2023 का डाटा था जिसमें हमने राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री तीनों को कंबाइन करके आपके लिए कंबाइंड पीडीएफ बना दिया, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि राउंड वन के अंदर पिछले साल, राउंड टू के अंदर, राउंड थ्री के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए थे। तो उस हिसाब से आप जो चॉइस फिलिंग के अंदर वही कॉलेजेस जो वो अपने डाल सकते हो, आपके अप्रॉक्सीमेटली आपको वो पता लग जाएगा, रफली आपको आइडिया जो वो मिल जाएगा। तो अगर ये आप पीडीएफ ग्रैब करना चाहते हो उसके लिए हमने एक छोटी सी कॉस्ट रखी है, क्योंकि इस पीडीएफ को कंबाइन करने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगी है। तो इसके लिए हमने जस्ट चार्जेस रखे हैं 151। तो 151 में आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज का खास करके ध्यान रखना, हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो भी पिछले साल का एमसीसी का डाटा था सिर्फ उसको मॉडिफाई करके सिर्फ हम आप तक क्या करेंगे पहुंचाएंगे, ताकि आपको ये पीडीएफ अच्छे से समझ लग जाए। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हैं राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री के लिए, राउंड वन तो चलो अब आपका खत्म हो चुका, राउंड टू यानी राउंड थ्री के लिए, तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर स्कैनर शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है अपना, इस कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उस स्क्रीनशॉट को क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूआर स्कैनर को आपने क्या करना है, स्कैन करना है, डन द पेमेंट डन करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसको हमारी ईमेल आईडी के ऊपर क्या कर देना है, भेज देना है विद योर नेम, नीट रैंक, नीट स्कोर, स्टेट और पीडीएफ का नाम लिखकर एमसीसी की, एमसीसी की पीडीएफ जो है वो आपको चाहिए इस ईमेल आईडी पर। ये ईमेल आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मिल जाएगी और ये पीडीएफ आपको काफी ज्यादा जो हेल्प करेगी ये बताने में कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेरे रैंक के आसपास आ रहे हैं, तो आप उन्हीं कॉलेजेस को जो है चॉइस फिलिंग के अंदर जो वो डाल सकते हो। बाकी यहां तक वीडियो देख लियो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली AAACC IUC आपके स्टेट की जितनी भी अपडेट्स आती है काउंसलिंग रिलेटेड आपका भाई अब तक जो है वो पहुंचाता रहे।